हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जस्ट फाइन पॉडकास्ट सीरीज पेरेंटिंग इज अ ब्लेसिंग। आइए सुनते हैं इसमें शुभश्री जी क्या लाई हैं मैसेजिंग सारे पेरेंट्स के लिए। आज प्रेमा के घर गई तो देखा सामान बिखरा पड़ा है, सूटकेस खुला है, यश उत्साह से उछल कूद मचा रहा है। मैंने पूछा नानी घर जाने की तैयारी, तो उसके पहले प्रेमा ही बोल पड़ी हाँ हाँ। फिर उसने यश से पूछा हॉलिडे होमवर्क वाली बुक रख ली। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने यश से एक बार वह बुक दिखाने को कहा। यश की हॉलिडे होमवर्क की बुक देखकर मैं हैरान थी, ऐसी बुक्स भी आने लगी। सारे सब्जेक्ट्स के पेजेस अटैच थे, चैप्टर वाइज कलरिंग, ड्राइंग, पैराग्राफ राइटिंग, मैथ्स के पजल सब थे। मैं दंग थी क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी तब हमें अपने सिलेबस से कुछ हॉलिडे होमवर्क मिल जाता था, और जब मैं टीचर बनी तो लाइब्रेरी से बुक्स लेकर कुछ हॉलिडे होमवर्क एक्टिविटीज प्लान कर लेते थे। प्रेमा ने जब बताया कि 500 रुपए की किताब है, तब मुझे समझ आ गया कि ये पब्लिशर और स्कूल मैनेजमेंट के बीच की बात है। बातों बातों में प्रेमा ने यह भी बताया कि उसकी मम्मी एक हफ्ते के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थी, बिल लाखों में है। 3 दिन के बाद सारे टेस्ट के रिपोर्ट आए, फिर डायग्नोसिस और तब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। घर आकर सोचने लगी कि अभी कुछ दिन बाद ही नई सरकार बनेगी, देश को नया कैप्टन मिलेगा, नई उमंग और नए उत्साह के साथ नए नए मंत्री अपनी अपनी पोर्टफोलियो संभालेंगे। मुझे देश चलाने के विषय में कोई विशेष समझ तो नहीं है, लेकिन अपने देश से प्यार है, शायद इसलिए कुछ कहने का मन हो आया। मुझे लगता है कि किसी भी विकासशील देश या डेवलपिंग कंट्री के आगे बढ़ने के 2 सबसे प्रमुख आयाम हैं शिक्षा और चिकित्सा। अगर हमारे देश के सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल मॉडल स्कूल और मॉडल हॉस्पिटल बन जाएं, तो देश की तरक्की दीन दूनी और रात चौगुनी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में इक्विपमेंट की कमी है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इसे सामाजिक स्तर में पीछे कर देता है। प्रभाकर रेड्डी IAS ऑफिसर और आंध्र प्रदेश के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने अपने बेटे को 6 और बेटी को 8वीं में पटामाटा कोंडरू बसावैया चौधरी ZP हाई स्कूल में 2022 में एडमिशन दिलवाया। वो एक सरकारी स्कूल है। कहना नहीं होगा कि अब 2 महीने में ही स्कूल का कायाकल्प हो गया। आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे। कितना अच्छा होगा कि सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल गुणवत्ता के मापदंड पे बेस्ट हो जाएं, एम्स, IIT और IIM की तरह। इसलिए मेरा सरकार से एक नागरिक होने की हैसियत से यह विनती है कि शिक्षा और चिकित्सा को सरकारी क्षेत्र में इतना विकसित कर दें कि आने वाली पीढ़ी देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग दे, उन्हें विदेश जाके बसने और रहने का न सोचना पड़े। सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल हमारे देश की नींव है। नींव मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। आज की मेरी टैगलाइन है सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल को उपेक्षा नहीं, आपसे अपेक्षा है, अब की बार इनका उद्धार। धन्यवाद। थैंक यू शुभश्री जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें कही हैं जो कि हर एक पेरेंट को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव और फीडबैक हमें लिख भेजिए info@justfine.com पे। आपको अगर किसी भी तरह की पेरेंट काउंसलिंग चाहिए या फिर आपको चाइल्ड काउंसलिंग चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं, या फिर विज़िट कीजिए हमारा साइट www.justfine.com। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।